नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवा राजपूत और मेरे यूट्यूब चैनल दिए सार देवा म्यूजिक में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलते हैं म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे तुझे देखा तो ये जाना सनम। दोस्तों, इस गाने को अच्छे से सीखने के लिए मेरे इस ट्यूटोरियल वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए। यदि ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के पास में ही है एक बेल आइकन, उसको भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस गाने की शुरुआत होती है तुझे देखा तो ये जाना सनम वाली लाइन से, और इसको प्ले करने के लिए हम लगाएंगे सैक्सोफोन की वॉइस और यहाँ से प्ले करना शुरू करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसके बाद प्ले करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे इतना प्ले करने के बाद हम लगाएंगे संतूर की वॉइस और एक म्यूजिक प्ले करेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले यहां से हम प्ले करेंगे, ठीक है। इतना प्ले करने के बाद हम यहां से प्ले करेंगे, देखिए, राइट। अब इतना प्ले करने के बाद हम लगाएंगे स्ट्रिंग की वॉइस और यहां से एक म्यूजिक प्ले करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले तो इसके बाद यहां से हम यहां से प्ले करेंगे, ठीक है। एक और बार देखें, अब इसके बाद हम यहां से प्ले करेंगे, एक और बार देखिए, अब इसके बाद हम प्ले करेंगे यहां से, फिर यहां से, अब इसके बाद वापस यहां से, ठीक है। अब ये जो हम प्ले कर रहे हैं ना, ये जो पार्ट हम प्ले कर रहे हैं इसके साथ हम लेफ्ट हैंड से भी प्ले करेंगे, देखिए। सबसे पहले फिर से देखिए, तो इतना प्ले करने के बाद हम लगाएंगे दो तारा की वॉइस। आप चाहें तो संतूर, ड्यूल, सिमर कोई सी वॉइस लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये लगाने के बाद हम यहां से प्ले करेंगे, देखिएगा, ठीक है। इतना प्ले करने के बाद हम लगाएंगे स्ट्रिंग और यहां से प्ले करेंगे, ठीक है। अब फिर से लगाएंगे हम दो तारा या फिर संतूर, ड्यूल, सिमर कुछ भी आप कह सकते हैं। अब यहां से हम प्ले करेंगे, अब इतना प्ले करने के बाद हम लगाएंगे स्ट्रिंग और यहां पे लास्ट म्यूजिक प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे इस गाने का ये स्टार्टिंग म्यूजिक हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसी स्टार्टिंग म्यूजिक को पूरा एक साथ प्ले करेंगे, शुरू से लेकर अभी तक जितना हमने प्ले किया है वो पूरा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले
गाने का पूरा स्टार्टिंग म्यूजिक कंप्लीट, प्रीलूड हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद आएगा इस गाने का मुखड़ा, इस गाने का कोरस, और वो हम प्ले करेंगे सैक्सोफोन की वॉइस में। ठीक है, सबसे पहले हम प्ले करेंगे यहां से, देखिएगा। इतना प्ले करने के बाद हम लगाएंगे स्ट्रिंग और यहां से एक फ्लर म्यूजिक प्ले करेंगे, देखिएगा। ठीक है, अब फिर से लगाएंगे सैक्सोफोन और यहां से प्ले करेंगे। अब इतना प्ले करने के बाद फिर से स्ट्रिंग लगाना और यहां से प्ले करना है। ठीक है, अब फिर वापस सैक्सोफोन लगाएंगे और फिर से स्ट्रिंग और वही फिलर म्यूजिक, वापस सैक्सोफोन और यहां से प्ले करेंगे। अब वापस से स्ट्रिंग का म्यूजिक यहां से, अब सैक्सोफोन लगा के हम आगे की लाइन प्ले करेंगे, देखिएगा। ठीक है, इतना प्ले करने के बाद हम स्ट्रिंग लगाएंगे और यहां से प्ले करेंगे। ठीक है, फिर वापस सैक्सोफोन लगाएंगे और एक और बार देखिए। ठीक है, यहां पे हमारी मेल लाइन हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके बाद आएगी फीमेल लाइन, यही पूरा प्ले होगा फीमेल वॉइस में, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा लेंगे फ्लूट की आवाज। ठीक है, देखिएगा। वापस से स्ट्रिंग का फ्लर म्यूजिक, अब फिर से फ्लूट, वापस स्ट्रिंग, अब फिर से फ्लूट लगाएंगे और यहां से प्ले करेंगे। अब स्ट्रिंग लगा के यहां से, ठीक है, इतना प्ले करने के बाद वापस से फ्लूट लगाना और आगे की लाइन यहां से प्ले करेंगे, देखिएगा। फिर से देखिए एक बार, थोड़ा टफ है। ठीक है, अब इसके बाद वापस से मेल वॉइस आ जाती है, तो उसके लिए हमने लगाया सैक्सोफोन। अब यहां से प्ले करेंगे, ठीक है, फिर से देखिए, तो यहाँ पे इस गाने का ये कोरस या मुखड़ा हो जाता है कंप्लीट। अब इस मुखड़े के बाद आएगा इस गाने का पहला इंटरल्यूड, पहला बीच का म्यूजिक, और उस पहले इंटरल्यूड को प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना होगा स्ट्रिंग की वॉइस। स्ट्रिंग की आवाज लगाने के बाद हम यहां से लेकर यहां तक एक रनिंग म्यूजिक प्ले करेंगे। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले ठीक है, अब इसके बाद हम यहां से प्ले करेंगे, फिर इसके बाद यहां से, अब इसके बाद हम लगाएंगे कोरस की वॉइस और उसके बाद हम यहां से प्ले करेंगे, देखिएगा। फिर इसके बाद यहां से, ठीक है, अब फिर से देखिए इसको, सबसे पहले यहां से, अब इसके बाद यहां से,
अब इसके बाद हम लगाएंगे फ्लूट की वॉइस, क्योंकि यहाँ पे फीमेल वॉइस है, ठीक है। अब फ्लूट की वॉइस लगाने के बाद हम यहाँ से प्ले करेंगे, देखिएगा। फिर लगाना है दो तारा या फिर डुलसिमर, और यहां से प्ले करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद वापस लगाएंगे फ्लूट और फिर से प्ले करेंगे। अब लगाएंगे दो तारा और यहां से प्ले करेंगे, ठीक है। अब वापस लगाना है फ्लूट और यहां से प्ले करना है, ठीक है। एक और बार देखिए, सबसे पहले हम यहां से प्ले करेंगे, अब ये लगा ले दो तारा, फिर से फ्लूट, अब यहां से, इतना प्ले करने के बाद हम लगाएंगे ड्यूल सीमर और यहां से प्ले करेंगे, एक और बार देखिए, तो यहां पे हमारे इस गाने का ये पहला इंटरल्यूड, पहला बीच का म्यूजिक हो जाता है कंप्लीट। अभी इसी म्यूजिक को हम पूरा एक साथ प्ले करेंगे, देखिएगा। हमारा ये इंटरल्यूड, पहला इंटरल्यूड हो चुका है कंप्लीट, पहला बीच का म्यूजिक हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद आएगा इस गाने का पहला अंतरा, पहला वर्स, ठीक है, और वो हम प्ले करेंगे सैक्सोफोन की वॉइस में। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम यहां से प्ले करना शुरू करेंगे, देखिए। इतना प्ले करने के बाद हम लगाएंगे दो तारा और प्ले करेंगे, ठीक है। इसके बाद वापस लगाएंगे सैक्सोफोन और आगे की लाइन प्ले करेंगे, अब इसके बाद यहां से वापस से, अब इसके बाद लगाएंगे फ्लूट और यहां से एक फिलर म्यूजिक प्ले करेंगे, देखिएगा। ठीक है, अब वापस से लगाएंगे सैक्सोफोन और फिर से रिपीट करेंगे, देखिएगा। फिर लगाएंगे फ्लूट और अब लगाएंगे इसके बाद फ्लूट, क्योंकि यहां पे फीमेल लाइन है, ठीक है, और हम प्ले करेंगे यहां से, देखेगा। अब इसके बाद की लाइन यहां से प्ले करेंगे, देखेगा थोड़ा ध्यान से। इतना प्ले करने के बाद वापस हम लगाएंगे सैक्सोफोन और यहां से प्ले करेंगे, फिर से स्ट्रिंग, वापस सैक्सोफोन, स्ट्रिंग लगा के यहां से, अब फिर वापस से यहां से, स्ट्रिंग लगा के यहां से प्ले करेंगे, वापस सैक्सोफोन और ठीक है। तो यहां पे इस गाने का
पहला अंतरा हो चुका है कंप्लीट। अब इस पहले अंतरे के बाद आएगा इस गाने का सेकंड नंबर का इंटरल्यूड, सेकंड म्यूजिक। और दोस्तों ये म्यूजिक काफी तगड़ा और काफी अच्छा म्यूजिक है, तो इसको ध्यान से सीखिएगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की वॉइस, और यहां से प्ले करेंगे। इतना प्ले करने के बाद हम लगाएंगे फ्लूट की वॉइस और यहां से प्ले करेंगे। एक और बार देखिए। अब इसके बाद वापस लगाएंगे स्ट्रिंग और यहां से प्ले करेंगे। अब वापस फ्लूट और यहां से। इतना प्ले करने के बाद वापस स्ट्रिंग लगाएंगे और यहां से प्ले करेंगे। तो प्ले करने के बाद यहां से एक और बार देखिए यहां से। अब इसके बाद लगाएंगे ड्यूल सीमर दो तारा और यहां से प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस गाने का सेकंड नंबर का इंटरल्यूड हो जाता है कंप्लीट। अब हम इस सेकंड नंबर के इंटरल्यूड को एक साथ प्ले करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इस गाने का सेकंड नंबर का इंटरल्यूड भी हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद आएगा दूसरे नंबर का अंतरा, और दोस्तों ये दूसरे नंबर का अंतरा भी पहले नंबर के अंतरे जैसा ही हमें प्ले करना है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ये अंतरा नहीं प्ले करके बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो यूं ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसा लगा ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से, लाइक से ही मुझे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।